तो भाई आज के इस वीडियो में बताएंगे कि पैसा बाजार में आईडी कैसे बनाया जाता है, मीन्स सिविल स्कोर चेक करने के लिए पैसा बाजार में कैसे आईडी को लॉगिन किया जाता है, कैसे साइनअप किया जाता है। और पिछला वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने कैसे एक क्रेडिट कार्ड को अप्लाई किया था और किन प्रोसेस से मुझे जो है क्रेडिट कार्ड मिला था। पैसा बाजार जो है, अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो पैसा बाजार आपको क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रहा है। तो इसीलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि पैसा बाजार एप्लीकेशन में जो है आप सिविल स्कोर को भी चेक कर सकते हैं और उसमें आईडी को कैसे बनाया जाए, मीन्स कैसे लॉगिन किया जाए और कैसे साइनअप किया जाए। तो अभी मैं आपको साइड स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने पैसा बाजार एप्लीकेशन को ओपन किया है। यहाँ से मेरा एक आईडी पहले से लॉगिन है, तो इसको लॉगआउट कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से लॉगआउट करते हैं और नया आईडी को यहाँ पे बनाते हैं। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर को एंटर करना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर को पहले एंटर कर लेता हूँ, साइड स्क्रीन में आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर जो एंटर कर दिया, अब यहाँ पे ओटीपी आएगा। तो देखिए यहाँ पे लॉगिन हो गया है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहला ऑप्शन जो आ गया यहाँ पे नेम फिल करने के लिए और ईमेल आईडी फिल करने के लिए ऑप्शन आ गया, ठीक है। और यहाँ पे जो भी आपका जेंडर है, मेल या फीमेल है, उसको आप फिल कर लेते हैं। यहाँ पे मैं फिल कर लेता हूँ फटाफट। और नीचे चेकबॉक्स बना हुआ था, उसको चेकआउट कर दिया। अब कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, पैन नंबर पूछा जा रहा हो, पिन कोड पूछा जा रहा हो, डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है। मैं दोनों तीनों डिटेल्स को फटाफट फिल कर लेता हूँ और गेट योर स्कोर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे सिविल स्कोर जो है चेक हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने जो है सारा डिटेल्स में नन ऑफ एवब कर दिया है। अब यहाँ पे जो है बिजनेस कर देते हैं, ठीक है, ये ऑटोमेटिक आ गया यहाँ पे। अब प्रोपराइटर कर देते हैं और टर्नओवर जो है लगभग 6 लाख के आसपास है एनुअल। अब व्यू रिपोर्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरा अभी कोई सिविल शो नहीं कर रहा है, ये मेरी माँ का जो है मैं चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कोई अभी ऑप्शन नहीं शो कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑफर शो कर रहा है, सेटअप क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो अभी कुछ दिन के बाद इसमें ऑफर शो करेगा। तो यहाँ पे कोई अभी ऑफर वगैरह कुछ शो नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी मैंने फर्स्ट टाइम इसमें आईडी बनाया है और मेरी माँ के नाम से कोई लोन वगैरह नहीं है, ठीक है, इस कारण से ऐसा शो कर रहा है। तो इस तरह से जो है आप पैसा बाजार में जो है आईडी को लॉगिन कर सकते हैं, मीन साइनअप कर सकते हैं पैन नंबर के थ्रू से, और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालना है और एक्स्ट्रा कुछ नहीं डालना है। तो इस तरह से जो आप साइनअप करके, आप लॉगिन करके कुछ दिन रखें, इसमें ऑफर शो कर जाएगा। तो मैं अभी आपको दूसरा आईडी लॉगिन करके दिखाता हूँ, उसमें मेरा सिविल वगैरह जो है शो कर रहा है, ठीक है। मैं इसको लॉगआउट करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने लॉगिन किया अपना आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं सिविल क्रेडिट स्कोर पे चेक करता हूँ, तो अभी थोड़ा सा लगता 12 बजे रात का है, इस कारण से थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो माई अकाउंट पे क्लिक करते हैं और यहाँ से देखिए मेरा लोन वगैरह जो सब सारा कुछ यहाँ पे शो कर रहा है। आरबीएल का जो है 2-3 लोन शो कर रहा है, क्योंकि इस नंबर से सिर्फ आरबीएल का मेरा क्रेडिट कार्ड है, बाकी सब कार्ड जो है अलग नंबर से है। बट सिविल में शो करना चाहिए, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही कार्ड शो कर रहा है, आरबीएल का ड्यूड क्रेडिट कार्ड, और बाकी जो है दूसरा में है सारा कुछ। तो यहाँ पे देखिए ड्यूड कार्ड जो है, मैं लॉगिन कर रहा हूँ यहाँ से। तो यहाँ से मैंने ड्यूड कार्ड को भी लॉगिन कर दिया, ठीक है ना। सिविल स्कोर जो है अभी नहीं दिखा रहा है, इसमें कुछ इशू होगा, मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ फिर से। नहीं सो कर रहा, अभी इशू है इस कारण से, ठीक है। रात का टाइम है इस कारण से, और 12 बजे के आसपास होता तो इस तरह का प्रॉब्लम आता है अक्सर। तो इस तरह से जो है आप पैसा बाजार में आईडी को लॉगिन या फिर साइन अप करके आईडी बना के सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं। तो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।